जाखड़ सहायक कमांडेंट केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल एवं मोहम्मद रियाज आलम अंसारी उप निरीक्षक जीडी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। तेईस नवंबर 2016 को झारखंड के लातेहार जिले के छिपा दोहर के जंगली क्षेत्र में सशस्त्र माओवादियों का पीछा करते हुए 209 कोबरा का स्काउट दल, जिसका नेतृत्व सब इंस्पेक्टर जीडी मोहम्मद रियाज आलम अंसारी कर रहे थे, पर कोयल नदी के किनारे माओवादियों ने गोलियों की बौछार कर दी। SIGD मोहम्मद रियाज आलम अंसारी और उनकी साथी टुकड़ी ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की। किसी भी खतरे की परवाह किए बिना श्री विकास जाखड़ अपने स्काउट दल की सहायता के लिए माओवादियों की ओर बढ़े और एक आक्रामक मुठभेड़ शुरू कर दी। SI मोहम्मद रियाज आलम अंसारी ने अपने स्काउट दल के साथ माओवादियों पर हमला कर उन्हें पीछे लौटने पर मजबूर कर दिया। तभी छिपे माओवादियों द्वारा उन पर भीषण गोलीबारी हुई। इस करो या मरो की स्थिति में श्री विकास जाखड़ ने अपने बहादुर कमांडो के साथ माओवादियों के खिलाफ एक तेज जवाबी गोलीबारी शुरू कर दी। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद रियाज आलम अंसारी ने अपने स्काउट के साथ पीछे हटते हुए माओवादियों पर संगर्भीत कार्रवाई से माओवादियों को अपनी जगह छोड़नी पड़ी। मुठभेड़ स्थल की गहन तलाशी से 6 लाशें बरामद हुई। इस प्रकार श्री विकास जाखड़ सहायक कमांडेंट और सब इंस्पेक्टर जीडी मोहम्मद रियाज आलम अंसारी ने ऑपरेशन के दौरान अपने जीवन को दांव पर लगाते हुए अद्भुत नेतृत्व क्षमता, दृढ़ता, साहस तथा कर्तव्य निर्वहन के प्रति निस्वार्थ समर्पण का परिचय दिया। श्री विकास जाखड़। मोहम्मद रियाज आलम